हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो द मोस्ट अवेटिंग गेम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इज़ फाइनली हियर एंड इट इज़ अप फॉर बीटा टेस्टिंग। तो मुझे मेरे हम ये हमारा जो पबजी मोबाइल का ग्रुप था वहाँ पर मेरे एक टीममेट का मैसेज आया कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का अर्ली एक्सेस कुछ कुछ लोगों को मिल चुका है और ये लिंक मुझे भेजा था हमारे टीममेट ने। वहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया और टैप टैप ऐप जो है वो आपको पहले इंस्टॉल करनी है। आप जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपको सजेशन आएगा कि टैप टैप ऐप आप पहले डाउनलोड करो। वो डाउनलोड करने के बाद आपको ये ऐप ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्ले का बटन आ रहा है मुझे अभी वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मुझे प्ले का ऑप्शन आ रहा है। इस ऐप से डाउनलोड करने के बाद आपको खोलना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो मैंने डाउनलोड करने के बाद अभी तक ओपन नहीं किया है। ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है आपको नाम के ऊपर, उसका मतलब है कि अभी तक ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैंने एक बार यूज़ नहीं किए। तो अभी फाइनली वीडियो में आपके सामने में यूज़ करने वाला हूँ और देखते हैं फर्स्ट लुक कैसा होगा गेम का। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इज़ रिक्वेस्टिंग गेम स्टोरेज। हाँ भाई बिल्कुल देंगे आपको स्टोरेज की एक्सेस। तो अभी जैसे पहले यहाँ पर टेंसेंट या फिर मतलब टेंसेंट का यहाँ पर लोगो आता था सबसे पहले, अभी क्राफ्टन मोबाइल का आ रहा है क्योंकि अभी जो गेम नया डेवलप हुआ है सारा क्राफ्टन ने किया है और यहाँ पर टेंसेंट और चाइना का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी की वजह से इंडिया में रीलॉन्च करने का जो है अपॉर्चुनिटी मिला है पबजी मोबाइल, ऑल्सो नोन एज बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। और अभी बस ये जो डाउनलोड वगैरह कुछ होगा छोटा छोटा जो भी है, और जैसे मैंने कल देखे थे लीक्स वगैरह जो आए थे कि इरांगल मैप जो है जैसे आपको पहले पबजी मोबाइल की ऐप में मिलता था इरांगल प्री डाउनलोडेड, वैसा ही आपको मिलेगा। ये रिसोर्स पैक वगैरह डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं। अभी मैं शायद कुछ भी डाउनलोड नहीं करूँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको डाउनलोड होने में। चलो तो इसका डाउनलोड होने का वेट करते हम। अपडेट होने के बाद अभी सारा प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सामने आ गई, इसको हम डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे अभी और ट्विटर से लॉगिन करेंगे। मेरा पर्सनल जो अकाउंट था वो एप्पल आईडी से लिंक था जो मैं अभी एंड्रॉइड में लॉगिन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड का अकाउंट लिया है और मैं उससे लॉगिन करने वाला हूँ अभी। ऑथराइज ऐप एक बार रिट्राई करने के बाद मेरा लॉगिन हो चुका है और ये इंट्रो वीडियो वगैरह है। मेरा मन तो नहीं देखने का क्योंकि ऐसा सिमिलर वीडियो हम पहले देख चुके हैं और इसको मैं अभी के लिए स्किप करूँगा। यहाँ पे शायद लैंडिंग वगैरह होगी इसकी और कैरेक्टर वगैरह सेटअप करने के लिए क्यों बोल रहा है वापस। चलो अभी जो है इसको आईडी वगैरह तो मेरे हिसाब से मैं TMFN मैडॉक लिख देता हूँ यहाँ पर। अब उससे कुछ और लिखना होगा तो पता नहीं मुझे। क्रिएट कर देते हैं, देखा जाएगा भाई, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि पुराने स्किन्स वगैरह वैसे मिल रहे हैं लोगों को, तो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे क्या पता। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया न्यू ऐप इज़ फॉर यूजर्स लोकेटेड इन इंडिया ओनली। डू यू रिसाइड इन इंडिया? येस ब्रो। अकाउंट डेटा ट्रांसफ़र, येस यही चीज़ की बात कर रहा था मैं। तो पबजी मोबाइल जो मतलब लास्ट अपडेट था जो लिविक का, तो उस टाइम प्ले स्टोर पर गेम का नाम था पबजी मोबाइल नॉर्डिक मैप लिविक। तो यहाँ से डेटा प्लीज़ कंटिन्यू ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा। वेलकम, वी कैन ट्रांसफ़र योर डेटा फ्रॉम। Do you wish to provide your consent? Yes, bro. Select the social network account linked with the prior app. Yes, Twitter. I hope कुछ problem ना हो जाए यार। Account हमने enter कर दिया है अभी। Do you wish to provide your consent? हाँ भाई कितनी बार पूछोगे, कर दे भाई data transfer. The data is being transferred. तो शायद मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा एक बार।
डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया, ऑथराइज ऐप, यस माइग्रेटिंग। सबसे मेन कंसर्न यही था कि पुराने स्किन्स वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो मुझे लग रहा है कि अब मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे और बाकी को भी मिलेंगे सबको। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपना पुराना अकाउंट लिंक करो और सारा सामान जितना भी था आपका, मैंने सुना है कि पॉपुलैरिटी और फ्रेंड लिस्ट आपकी रीसेट हो जाएगी, लेकिन स्किन्स वगैरह और कॉस्ट्यूम्स वगैरह सारे वापस आ जाएंगे, मतलब आपकी जो इन्वेंट्री है वो पूरी वापस आ जाएगी। लॉगिन क्यों नहीं हुआ? हाँ जी हो गया। यस मैडम 18 साल का है ना? हाँ है। सीज़न 19 का पहला लुक आ चुका है गाइस हमारे पास, और जितनी सारी एक्साइटमेंट थी वो अब सब पूरा रिजल्ट मिलने वाला है सारे। इतना जो वेट किया काफ़ी टाइम से लोगों ने, FPP और TPP खेलेंगे भाई। पहले हम रॉयल पास चेकआउट कर लेते हैं तब तक। एक बार ये है हमारा रॉयल पास सीज़न 19 का, और कॉस्ट्यूम वगैरह आप देख ही पाएंगे अभी, शायद ये रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे हैं अभी। और बाइक यूसी, मतलब सब कुछ सेम ही है उस ऐप से, जैसा चाइना में पीस फॉर इंडिया, सॉरी गेम फॉर पीस जैसा चाइना में, वैसा अभी इंडिया में ये ऐप चलेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू, विच इज़ 90% सिमिलर टू पबजी मोबाइल, बट थोड़ा कंट्री के हिसाब से थोड़े जो चेंजेस हैं वो रहेंगे इसके अंदर। और ग्रेनेड का स्किन है, AKM की स्किन लग रही मुझे ये। हाँ जी बिल्कुल AKM की स्किन है। और जो लोग भी अभी भी पबजी मोबाइल VPN वगैरह से खेलते शायद उनको तो पता ही होगा कि ये स्किन वगैरह सारी उसमें भी आ ही चुकी होंगी। कॉस्ट्यूम काफ़ी डेंजरस लग रहा है यार ये, इस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद तो अलग ही फीलिंग आ जाएगी। और जैसा हमेशा एंड में दो कॉस्ट्यूम का ऑप्शन आता है, तो ये है फीमेल कैरेक्टर के ऊपर अच्छा लगेगा ये, और ये है मेल कैरेक्टर के ऊपर जनरल बीटल सेट। तो ये मिशंस का सेट आ गया हमारा पूरा, क्या क्या मिशन आपको कंप्लीट करने हैं वो आप लोग देख सकते हैं, वो मैं अभी ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। और ये बाकी सब मतलब गेम To ensure you experience less network lag and have a better gaming environment, players are unable to switch servers at will. हाँ तो ये जो पहले भी था कि एक बार आपने एशियन सर्वर सेलेक्ट कर लिया है तो आप 60 days तक आप सर्वर अपना चेंज नहीं कर सकते हो। ये है कुछ जो मिशन वगैरह हैं सारी चीज़ें ये, और ये कलेक्ट करने के लिए जो बोला हम कर लेंगे। हम पहले देखते हैं अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं। UC 121 जो पिछले अकाउंट में मैडॉक के पास होगा वो अभी भी है, तो फ्रेम वगैरह सब कुछ है इसके पास। यहाँ ये फ्रेम तो शायद 10 मिथिक आउटफिट्स के बाद या मिलती है, ऐसा कुछ है इस फ्रेम का शायद। तो सीज़न 6 कॉन्कर उसका जो फ्रेम था वो भी मिल चुका है इसको, और एवेटार वगैरह सब कुछ है। तो अकाउंट में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटिंग्स वगैरह मैं देख लेता हूँ कि क्या है अभी। सेटिंग्स मेरे हिसाब से रीसेट हो चुकी है, अल्ट्रा स्मूथ एक्सट्रीम। और तो मैं ये वीडियो में 1+5 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 1+5 पर मैं खेल पा रहा हूँ स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है। और मेल के अंदर चेक कर लेते हैं, डेटा माइग्रेशन कंपनसेशन। तो ये एक रीनेम कार्ड भी दिया है, काफ़ी सही चीज़ की। काफ़ी लोगों को रीनेम कार्ड की एक बहुत प्रॉब्लम होती है, जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। और रीनेम कार्ड भी मिल चुका है। इन्वेंट्री देख लेते हैं, पुराने पूरे आउटफिट्स हैं यहाँ पर। एक दो आउटफिट मैं आपको इक्विप करके बता देता हूँ। ये जो भी सारे आउटफिट मैडॉक के अकाउंट में थे सारे आ चुके हैं अभी। ये भी गेम हमने पहली बार अभी यूज़ किया है, तो जो भी चीज़ें डाउनलोड हो रही सारी होने देंगे हम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है डाउनलोड सारा। और तब तक हम गेम देखते हैं बाकी चीज़ें क्या क्या हैं। एरिना सब कुछ सेम है, बस अभी जो नाम है वो चेंज हो चुका है गेम का। और स्पेशली क्राफ्टन की तरफ से ये गाइडलाइंस हैं कि कोई भी पबजी मोबाइल के नाम से इस गेम को ना प्रमोट करे,
और BGMI ही बोला जाए इस गेम को, क्योंकि इंडिया में बैन कर दी गई है जो चीज़, तो उसको वैसे एड्रेस ना करें। सब सब जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, सब लोग BGMI ही बुलाए इस गेम को। पबजी मोबाइल को भूल जाओ, नया गेम आ चुका है हमारे लिए एटलीस्ट। और सेटिंग्स में ये सारी कंट्रोल्स देखने थे मुझे कि कंट्रोल्स क्या पहले वाले, ये कंट्रोल्स तो रीसेट हो चुके हैं अब, तो कंट्रोल्स मेरे हिसाब से वापस सेट करने पड़ेंगे। जो पहले क्लाउड पे हमारे कंट्रोल्स सेव हुआ करते थे वो क्या हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि तो चलो अब वीडियो में मेरे हिसाब से यहाँ पर हमने फर्स्ट लुक देख लिया, हमें गेम स्टार्ट करके देख लेते फिर वीडियो को एंड करेंगे। क्लासिक स्टार्ट, पहले डाउनलोड पॉज कर देता हूँ मैं, क्योंकि फिर पिंग ज़्यादा आएगी मुझे। हाँ जी, तो ये हम यू हैव नॉट डाउनलोडेड द मैप। अच्छा भाई, तो जो भी डाउनलोडेड मैप है वो लगा ले यार। क्लासिक थीम हटा देते हैं, मेरा एंगल खेलते हैं, ये चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैचिंग शुरू हो चुकी है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इतना यूजुअली टाइम नहीं लगता है सर्च करने में, बट अभी शायद यूज़र्स उतने नहीं हैं क्योंकि सबने डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पर भी गेम नहीं आई है। और कुछ जो प्रिविलेज लोग हैं, जो स्ट्रीमर्स वगैरह हैं, टॉप स्ट्रीमर्स इंडिया के, उनको अर्ली एक्सेस मिला है, और टैप टैप से जो भी बीटा वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं वो लोग खेल पा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको नहीं पता है कैसे डाउनलोड करना है तो अब तक आपको पता लग चुका होगा, और लिंक जो है डाउनलोड का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गेम। 35 सेकेंड्स इन मैचिंग, भाई बॉट लॉबी दे दो यार एक बार, मुझे फर्स्ट लुक देखना है बस गेम का। गेम फाइनली सर्च हो चुका है और सब कुछ पहले जैसा ही है, जो ये लोडिंग स्क्रीन है वो भी जो पबजी मोबाइल में हुआ करता था वैसा ही है, ऊपर बस नाम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आ रहा है अब, और बाकी सब कुछ सेम है, कैरेक्टर सेम है, वॉलपेपर सेम है। और जैसे अभी TMT ठग, तो ये सारे बंदे खेल रहे हैं मेरे हिसाब से, मैं इनसे बात करने की ट्राई करता हूँ। बंदे ने तो एग्ज़िट भी कर दिया, मतलब इंडिया इंडिया के जो लोग हैं वो उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, पहले की तरह गेम एग्ज़िट करके चले जा रहे हैं। मैं भी पहली ही मैच खेल रहा हूँ। तो बात तो होगी, हम लैंड करके देख लेते हैं कैसा है। एंटर द वर्चुअल वर्ल्ड, तो जैसे मैंने बोला, जैसे देख रहे हैं हम कि वर्चुअल वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि शायद गाइडलाइंस है कि जो अंडर 18 जो हैं उन लोगों को उतना, मतलब उनको उनका टाइम लिमिट भी रहेगा खेलने का कि 3 घंटे खेल पाएंगे दिन में, ऐसा कुछ। और ये वर्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है, ये चीज़ें बार बार मेंशन हो रही हैं। तो मैप वैप सब सेम है और गेम भी वही है, बस हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक बंदा मार पाए अगर तो ठीक है, वरना हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी, मुझे इसको एडिट करके अपलोड भी करना है, और लेट नहीं करना है मुझे अपलोड करने में, तो इसलिए हम यहीं पे एंड करेंगे। मैंने कंट्रोल्स वगैरह कुछ भी सेट नहीं किए, सेंसिटिविटी वगैरह मेरी, वो सब हम सेट करेंगे जब BGMI ऑफिशियली प्ले स्टोर पर लॉन्च हो जाएगा, शायद कल आ जाएगा ये सब, तो उसके बाद हम स्ट्रीम भी करेंगे और ऑन स्ट्रीम सब कुछ सेट करेंगे। अगर एक बंदा हमें मिल जाए तो उसको मार के वीडियो एंड करेंगे वहीं पे।
और ग्रेनेड की स्किन वगैरह आप देख सकते हैं, ये सारी पहले जो थी वो आ चुकी है। अब ते हैं एग्जिट। तो ये थी हमारी पबजी मोबाइल की वीडियो। जिनको भी वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जिनको भी गेम डाउनलोड करनी है इस वीडियो को देख के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अकाउंट माइग्रेट कैसे करना है सब कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो में। तो मिलेंगे आपसे कल लाइव स्ट्रीम पे, या फिर कुछ और अपडेट आती है तो एक और वीडियो हम डाल देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।